आप सबों को जय मसीह की। सब्सक्राइब करें जोई लाइफ प्रोडक्शन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो का पहले आनंद उठा सके। तुझे तो पता ही है यार, मेरी लाइफ में तो बस एंजॉय ही एंजॉय है, ये चलता ही रहता है, ये सब मेरे लिए तो रोज की बातें हैं। अरे अरे सुन ना, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि मेरे पति है ना मेरे लिए कल नई नई साड़ी लेकर आए हैं। वैसा ना ऐसा मंथ में 2-3 बार होता ही रहता है। वैसे भी मेरे पति तो ठहरे आखिर बिजनेसमैन, वैसे कुछ लोगों के नसीब में तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। और वो बेचारी अपनी चप्पल घिसवाती रहती हैं, और कुछ लोगों के पति तो प्राइवेट काम कर करके घर चलाते रहते हैं, और कुछ लोग तो ईश्वर का नाम ले लेकर अपनी कमियां छुपाते रहते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तो जाना है बिग बाजार शॉपिंग करने, मैं रखती हूँ। हेलो जी। अरे सुनो, मैं ना आपको देख ही नहीं पाई, मैं ना अपनी लंदन वाली फ्रेंड है ना उससे फोन पे बिजी थी। खैर छोड़ो ये सब बातें, आज आप ड्यूटी नहीं गई? अरे बस जाने वाली हूँ, इनका और जैनी का टिफिन तैयार कर लूँ, फिर थोड़ा बहुत काम बचा है, घर के ऑफिस निकलती हूँ। वैसे आजकल आपके घर में वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाली बहनें नहीं आ रही हैं? जब से आप ड्यूटी जाने लगी हैं तब से ये सब कम हो गया है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से आपकी नौकरी लगी है ना तब से आप ईश्वर के कामों में समय नहीं दे पा रही हैं। वैसे भी घर चलाने की बहुत टेंशन होगी ना आपको, लड़कियों की शादी, खर्चे एंड ऑल समथिंग। परमेश्वर की जय हो, यीशु मसीह के लहू की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहनों, जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, बस एक कदम प्रभु को जरूर पुकारना, एक कदम प्रभु के साथ जरूर चलना, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसी ने तो कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कहाँ गई थी आप? आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल काम भी कुछ ज़्यादा रहता है। वैसे मुझे जब समय मिलता है तो महिला मीटिंग में मैं चले जाती हूँ। अच्छा, वैसे आप लोगों के घर में जो शोर की बहुत आवाज़ आया करती थी वो आनी कम हो गई है? खैर ठीक है, मेरे दिन की नींद भी बहुत ख़राब हो जाती थी, पर वो आपके यहाँ जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के गाने बजते थे ना, अच्छे लगते थे मुझे। चलिए अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही है। ओके वैसे मुझे भी जाना है शॉपिंग के लिए बिग बाजार, मैं भी चलती हूँ। बाय 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 बाय। सॉरी बेटा, पापा से मिस्टेक हो गई। चलो अच्छा, हम यीशु मसीह के गीत गाएंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। ओके बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय। क्या यार पापा, आपको कितनी बार बोला है मुझे सुबह जल्दी मत उठाया करो, या फिर एक बड़ा सा घर ले लो जहाँ मेरा सेपरेट रूम हो। आई वांट माय प्राइवेसी। हे यू डोंट टॉक टू माय फादर लाइक दिस, बाय दिस इज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ए पापा की चमची, तुझे तो सब अच्छा मिल गया ना, इसलिए तो इतना बोल रही है। मुझे क्या मिला, ये सड़ा सा रूम और ओल्ड फैशन 90s वाली ड्रेसेस। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा कॉलेज क्रिश्चियन वाला है, ये तो पढ़ी होती मैं किसी सरकारी कॉलेज में। बेटा। हाँ पापा, आप तो रहने दो आपकी वही डेली के डायलॉग्स, ट्रस्ट जीसस, फॉलो बाइबल, गॉड विल मेक अ वे। बाय द वे, आप मुझे ये बताओ आपको गवर्नमेंट जॉब से क्यों निकाला गया था? बिकॉज पीपल सेज यू वॉज अ चीटर एंड यू हैड चीटेड इन योर जॉब।
और बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ, सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अच्छी बात है, आप परमेश्वर में बहुत बढ़ रहे हो, लोगों से सुना भी है ना, और लोग गवाहियाँ भी देते हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या गवाही है यार? कुछ भविष्य के बारे में सोचा है? परमेश्वर है ना? ठीक है, परमेश्वर है, लेकिन भाई कल तुमको शादी करनी है ना, और बिना नौकरी के तो तुम्हें कोई अपनी बेटी दे नहीं देगा। बेटा इसलिए मैं तेरे को समझाने आया हूँ, तेरे माँ बाप के ना मुझ पर बहुत एहसान है, और उसी एहसान को उतारने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूँ। देख बेटा, मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी का ऑफर, वो भी तेरे लिए, बस कुछ एक सर्टिफिकेट का झोल झाल है जैसे ऊपर नीचे कर, और नौकरी तेरी। मामा मैं जानता हूँ कि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं धोखे से किसी नौकरी को करूँ। मेरे अंदर मेरे परमेश्वर का भय है मामा। यार मैं जानता हूँ तू कम पढ़ा लिखा है, और तू ये जो परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है ना, ये बंद कर दो। परमेश्वर भी ना उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करना खुद जानता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू दर बदर ना कटोरा लेकर घूमता फिर, भीख मांगता फिर। कुछ कर, पैरों पे खड़े हो भाई। जिसके पास सरकारी नौकरी ना, उसी को अच्छी सुंदर बीवी मिलती है, और तू नहीं चाहता क्या कि तुझे सुंदर बीवी मिले? हाँ भाई, जो इतना झोलझाल करके मैंने इस एक सर्टिफिकेट को ऊपर नीचे किया हूँ ना, सिर्फ तेरे लिए, तेरी नौकरी के लिए। कुछ सोच। ठीक है मामा, आप जैसा ठीक समझे। ठीक है, तेरी दीदी जेनी ने तेरे पापा से हुई एक गलती याद दिला दी थी। चलिए नाश्ता तैयार है, आ जाइए। चलो बेटा, मम्मा बुला रही ना, नाश्ता करेंगे। अरे सुनो, जरा नाश्ता ले आना। हाँ बेटा, थोड़ा सा। चलो बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। बहुत बदतमीज हो गई है ये, इसलिए कहती हूँ चल जाया कर। पर इसको तो मतलब ही नहीं, जब देखो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। ओहो, आप दोनों तो रहने ही दो, आप और आप लोगों के भाषण सुनते सुनते मैं पक गई हूँ। आप और आप दोनों के भाषण मुझे मत सुनाओ। और हाँ, जिस दिन मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ देखूंगी ना, मैं खुद चर्च चली जाऊंगी, ठीक है? अरे राजा भैया। अरे हाँ, यही पर आया। यार कितनी बार तुमको बोला है, पड़ोसियों को बोलो जरा गाड़ी अपनी तरफ रखा करे, रोज मुझे पैर में लग जाती है। हाँ हाँ ठीक है, सुनिए टिफिन तो लेते जाइए। हाँ। क्या बोल रही थी कि मेरी ना सैलरी नहीं आ रही है 3 महीने से, तो कल ना मैं ऐसी शॉपिंग के लिए गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो जब मैं निकल रही थी ना तो आई क्रॉस एन आईफोन स्टोर, तो सुनो ना मुझे आईफोन 11 को बुक नहीं करवा सकती क्या? ओह नो। क्यों, तुम्हारी तो सैलरी आ रही है ना। हाय, अच्छा सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, एंड प्लीज़ वो आईफोन प्रो मैक्स प्लीज़ बुक करा देना। ओके बाय।
वैसे ये कौन सा वाला था? अरे यार छोड़ ना, तू बता तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार। बोलना क्या हुआ? अरे वो ही घर के नाटक। कौन से नाटक? मम्मा पापा यार। चिल मारा करना। अरे कैसे चिल मारूं यार, जब देखो तब टेंशन में बैठी रहती है। तो क्या करूं, घर वाले ही देते हैं। रिलैक्स हो जा, काम डाउन, इतना क्या टेंशन है लाइफ में? बहुत टेंशन है, तुझे नहीं मालूम। किस चीज की टेंशन है तुझे, जरा बताना। अभी एक हो तो बताऊं, इतनी सारी है। छोड़ यार चिल मार, क्या इतनी टेंशन ले रही है? तेरा क्या है यार, तेरा तो अच्छा है, तीन चार लोगों से तू बात कर लेती है और वो तो ऐसे कि तेरा खर्चा भी निकल जाता है। अभी तू आईफोन की बात कर रही थी, तो तेरा तो अच्छा चल रहा है, तेरी लाइफ मस्त सेट है। तेरे माता पिता बाहर है तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि तू इधर पे क्या कर रही है। मस्त तू, तेरी लाइफ तो मस्त है यार, तू ऐश कर रही है। मुझे देख, एक मैं वही रोज का रूटीन, अपने माता पिता की सुनो, उनके अंडर में रहो, वो जैसा चाहे वैसी हुकूमत मुझ पे बताए। ना मैं आ सकती हूँ, ना जा सकती, ना मर्जी से अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और यू नो वॉट, मेरे माता पिता मुझ पे एक रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। पागल हो गई हूँ यार, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। सुनना, मुझे भी एक लड़का पटवा देना यार, हो गया यार बहुत, यू नो मुश्किल हो गया है मुझे मेरी ऐसी लाइफ को जीना। मुझे भी अपनी लिमिट क्रॉस करनी है। इनफ नाउ यार, तेरे को क्या हो गया है? तू तो हमेशा स्पिरिचुअल बातें करती थी, चर्च की बातें करती थी, आज क्या हो गया तुझे? हाँ, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी चीज हो गई है जो तू ये सब बातें करने लगी है? बोल ना, बोलेगी कुछ? यार क्या हो गया तुझे? हाँ, तूने तो कभी आज तक ऐसी बातें नहीं करी है, फिर आज क्या हो गया? वो एक समय था, पर अभी की कंडीशन बहुत डिफरेंट है, पता? यार वो ठीक है, पर मैंने हमेशा से जब भी ऐसी बातें करी तो तूने कभी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपना। तू हमेशा अपनी फैमिली स्टफ्स, चर्चेस एंड ऑल दैट, उसी में बिजी रही है। देन आज क्या हो गया? आई नो यार, पर ये जो माहौल है ना मेरे घर का, मैं रियली से फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन माई लाइफ, समथिंग बिगर इन माई लाइफ, और मैं अपने घर में रहती हूँ ये चीज को नहीं कर सकती। मैं अपनी इच्छाओं को, मैं जो चाहती हूँ मैं उसे पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि we don't have much finance. मेरे माता पिता वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, बींग अ गर्ल मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। मैं भी नए फोन सकूं, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूं, पार्टीज में जाऊं, मस्ती करूं, हंसूं, पर मैं नहीं कर पा रही। अच्छा ये सब छोड़, एग्जाम की डेट आ गई, तुझे पता है? अबे अपन ने तो कुछ पढ़े ही नहीं है, एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे? तेरा तो पता नहीं बहन, पर मैं तो इस बार फेल होने वाली हूँ, आई एम श्योर। और क्या लिख के आएंगे? यही लिख के आएंगे जो मेरी लाइफ में हो रहा है। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि शायद लॉकडाउन हो जाए, तो पता नहीं इस बार एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। यार फिर भी सीरियस हो जा, एग्जाम आने वाले और अपन लोग ने वैसे भी कोई पढ़ाई नहीं करी है, और पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में लिखना जरूरी है। हाँ यार लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, फेल तो वैसे ही होना है, एग्जाम की कुछ तैयारी की ही नहीं है। हो गई तुम लोग की कन्वर्सेशन? इतनी देर से सुन रही हूँ बाहर खड़े होके, क्या बातें कर रहे हो ये? और तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस करके तुमको पढ़ाया है ये ना दिखाने के लिए? और तुमको क्या लगता है ये रोड पे घूमने वाले लड़कों के लिए तुम एक टिश्यू पेपर बन के रह जाओ? इसलिए पाला है तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने नाजुक तरीके से तुमको? और तेरी लाइफ की एक एक चीज पर उनका अधिकार है, और जीसस ने उनको तेरे ऊपर अपॉइंट किया है, और तू क्या उसको ज्ञान देती रहती है? आईफोन क्वीन, अपने ज्ञान अपने पास रखा कर और अपने टीचिंग्स अपने पास रखा कर। यार आज बॉस ने बहुत बात कर दी, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था।
अरे ये सब छोड़, पास्टर साहब तेरे को पूछ रहे थे तू चर्च की कमेटी मेंबर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता है। तू तो जानता है यार कि मेरे अंदर एक गिल्ट है, और वो गिल्ट रह के मैं तुम्हारा कमेटी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तू तो सब कुछ जानता है। खैर कल मिलते हैं। श्योर ठीक। देख जेनी, मुझे पता है तू अपने घर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनको हर बात पे दोष दे। देख, उन्होंने हमेशा तेरे लिए अपना बेस्ट किया है, चाहे वो कितना भी कुछ करें, लेकिन वो है तेरे माँ बाप और हमेशा रहेंगे। फाइनेंस तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तू तो कुछ कर ना, तू अपने आप से कुछ बन, जीसस पे ट्रस्ट कर, वो तेरे लिए रास्ता निकालेंगे। तुझे पता है मैंने एक टीचर से सुना था कि प्रभु कभी भी हमारी अभिलाषाओं को पूरी नहीं करता, वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। इसलिए भरोसा रख और प्रार्थना कर, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अरे डैनियल, वो सुना तूने, वो अपनी कलीग्स बात कर रहे थे, लॉकडाउन लगने वाले हैं। हाँ यार सुना था यार, लेकिन अपना बॉस तो इतना खड़ूस है, करेगा बंद? पता नहीं यार। अरे अरे राजेश सुन 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 यार, मैं भूल जाऊंगा एक बात थी। अनोश ने तेरे को कुछ बताया क्या? क्या कि पादरी साहब तेरे को याद कर रहे हैं? हाँ यार बताया तो था, लेकिन जानता है यार मैं उनको फेस नहीं कर पाऊंगा, और इच्छा तो मेरी भी बहुत है कि मैं उनको जाऊं और मिलूं, और मिस तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, कदम से रुक जाते हो जाते सब उस गिल्ट की वजह से। एक बार मिल तो, मिलके बात तो कर उनसे। यार राजा एक बात बोलूं, परमेश्वर ज्योति है, और जो उसको निहारता है ना वो ज्योति को पाता है। सही कह रहा है। खैर मैं कोशिश करूंगा। चल अच्छा भाई चले, अपन लेट हो रहे हैं। हेलो। हाँ आचल। हाँ यार मैंने न्यूज़ सुना। हाँ यार कल से लॉकडाउन हो गया। यार अब मेरा क्या होगा, मैं तो इस पिंजड़े में बंद हो गई। हाँ और तुझे पता यार मैंने कितने सारे प्लान्स करे थे। मैंने सोचा था कि कल हम फिल्म देखने चलेंगे, तू मैं शिखा और रागनी। और हाँ सुन, वो रागनी बोल रही थी ना कि वो अपने भाई से मिलवाना चाहती है। हाँ बहुत तारीफ कर रही थी, मेरा भाई बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है। हाँ वो बोल रही थी कि वो मिलवाना चाहती है हम सबको उससे। हाँ यार सब प्लान फेल हो गया यार, सब धरा का धरा रह गया। हाँ यार अच्छा चल ठीक है, तो उससे बाद में बात करती हूँ या कल बात करती हूँ। ठीक है ओके चल।
बाय बाय। हो गया क्या? क्या बोल रहा है तू? नौकरी से निकाल दिया? अरे बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, यार इधर पुराने एम्प्लॉई हम लोग और बॉस। रुक मैं बात करता हूँ बॉस। बात कर चुके हो? नहीं यार, यार मैं कैसे मैनेज करूंगा यार, मेरी वजह से तेरी भाभी भी कमाने जाने लगी है। उसकी अपनी महिला मीटिंग को छोड़कर उसने कमाने जाना चालू कर दिया। नहीं यार मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा यार, हम लोग कुछ करते हैं ना, बात करते ना। तुम लोग बात कर चुके हो, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? एनोज का फोन था, मुझे एनोज को और कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया बॉस ने। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, एटलीस्ट एक नोटिस तो देनी चाहिए कि आप लोग प्रिपेयर हो सको। अरे वो सब छोड़ो, अब ये सोचो कि इस लोन की किस्त, घर का खर्चा और अपने बच्चों की फीस का कैसा करेंगे हम। हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आप जाओ नीचे खेलो। जब पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में घर में बंद था, तब राजा और उसका परिवार भी इसी कठिन समय का सामना कर रहा था। लॉकडाउन का हर एक दिन बीतते जा रहा था और परिवार जैसे कि आप देख रहे हैं बिखरा का बिखरा ही था। अब देखना होगा कि राजा और उसका परिवार परमेश्वर के उस प्यार को जो वो भुला बैठे थे वापस प्राप्त कर पाता है कि नहीं। अद्भुत शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है इस मंगलवार की प्रार्थना में। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें अवसर दे रहा है, विशेष तौर से इन दिनों में इस जब हम सब महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा, हम प्रार्थना करने वाले बने, हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन को देखें और परमेश्वर के वचन को प्रभु के अनुग्रह में समझें तो दो बात पाई जाती है जिसको आज मैं थोड़े से मैं समझाना चाहता हूँ। हमारा मसीही जीवन जो है वो विश्वासी जीवन है। हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उद्धार पाया, हमने विश्वास किया और विश्वास से पवित्र आत्मा पाया, हमारा विश्वासी जीवन है। और बाइबल भी प्रार्थना के लिए ये बात कहती है। मत्ती भाई खोलो भाई, चलो ना पापा बनो, वर्शिप सॉन्ग है जो आपका फेवरेट है। अरे बेटा अब इस अंधेरे में क्या गाएंगे और क्या सुनाएंगे? अरे पापा कैंडल्स है ना, उससे रोशनी मिल जाएगी। सुनती हो? जरा मेरी बाइबिल ला दोगी? हाँ जी देती हूँ। ये हमेशा तैयार हो गई दुआ क्यों करते हो, पहले कर लिया करो। तुम्हें पता है हमें अपने परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज भेंट करनी चाहिए। ये कपड़े क्या है? कुछ भी नहीं। हमें अपना जीवन, जो सबसे उत्तम भाग होता है अपने जीवन का, जो समय होता है, वो हमें अपने परमेश्वर को देना है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कपड़े नहीं। पापा आप मेरे मम्मा पापा को हमेशा अच्छा रखना और दीदी को भी अकल देना ताकि वो पापा से अच्छे से बात करें, और मेरे मम्मा पापा को हमेशा हैप्पी रखना। ओके शिव पापा, थैंक यू। शालिनी
क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? हाँ, मैंने महसूस किया। आज इतने सालों के बाद परमेश्वर की वो उपस्थिति, वो मैंने महसूस किया। हमने अपने बोझ के तले परमेश्वर को दबा दिया था, हमने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी, लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि परमेश्वर ही प्रथम स्थान में है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस संगति हम रोज करेंगे, परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो। हाँ शिखा, हाय यार। पता वो रागनी है ना, उसका जो भाई है ना यार, उसका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे मुझे। यार ही सो हैंडसम, कितना अच्छा दिखता है यार वो। हाँ अरे पता, मुझे कॉफ़ी पे चलने के लिए पूछ रहा था। हाँ पर ये लॉकडाउन, इसे भी अभी लगना था। सच में यार पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। चल ये टेंशन तो अलग है, एक और बहुत बड़ी टेंशन है पता बहन, एग्ज़ाम का टेंशन। यार एग्ज़ाम होने वाले हैं। हाँ और सच बताऊँ, मेरा कोई भी असाइनमेंट नहीं बना यार, सारी इनकम्प्लीट है। हाँ और सुन सुन, ये सब ना तेरे चक्कर में हुआ है पता। हाँ तू ही बोलती थी ना फिल्म देखने चलना है, गार्डन चलना है, कैंटीन चलना है, सारे सब तेरे कारण में हुआ है। हाँ आज से आधा साल महीने तो यार अपन ने वहाँ कैंटीन में काटे हैं। सच बताऊँ अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार। हाँ हाँ बेटा, बेटा कभी प्रार्थना में भी तो साथ में बैठ जाकर। बेटा सुनिए पापा, ये प्रार्थना दुआ की जरूरत ना सबसे ज्यादा आपको है, क्योंकि आपके पाप भी तो इतने हैं ना। ऐसे बात की जाती है अपने पापा से? मम्मी आप तो रहे नहीं, तो जब आपको मालूम है कि मुझे इनसे बात करना पसंद नहीं है तो ये बार बार क्यों आ जाते हैं मुझे इरिटेट करने? ऐसे बात की जाती है अपने पापा से? अरे सुनिए, देख समय आ गया शालिनी, तुम्हें याद है हम लोग चर्च की एक्टिविटीज में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, हर एक कार्यों में हम कितने, मतलब हम अपने काम को छोड़कर चर्च के सारे कामों में लग जाया करते थे। लेकिन आज वो बातें याद आती हैं शालिनी, वो कमेटी की बातें, फैसला लेने से पहले हर बार लोग मुझसे पूछा करते थे शालिनी कि राजा भैया ये करना है, राजा भैया इसके लिए क्या करें। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं शालिनी। मैं जाना तो चाहता हूँ चर्च, पादरी साहब से बात करूँ, फिर से कमेटी का हिस्सा बन जाऊँ, लेकिन न जाने क्यों वहां पहुंचते साथ मेरे कदम से रुक जाते हैं। आज लॉकडाउन हुई एक हफ्ता हो चुका है, हम घर के अंदर सब बंद हैं, छत तो है हमारे ऊपर शालिनी, लेकिन इस छत के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, वो हाथ हट गए शालिनी, मैंने महसूस किया है इसे। इतने प्यारे बच्चे दिए परमेश्वर ने हमें, लेकिन मेरी बड़ी बेटी
आपसे बात तक नहीं करना चाहते। सही भी है शाली, क्योंकि बाहर उसे लोग ताने मारते होंगे कि तेरे बाप ने चीटिंग करी, धोखे से नौकरी को हासिल किया। लेकिन मैं क्या करता शाली, मेरी भी तो मजबूरी थी, क्योंकि परिवार चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है शालिनी, और वो पैसे मेरे पास नहीं थे। सिर्फ अपने परिवार के लिए शालिनी, सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन मैं दोबारा जाना चाहता हूँ शालिनी। वो दिन मुझे याद आते हैं, लेकिन एक पल को तुम लोगों की चिंता भी होती है कि हम अपने घर के कर्ज से कैसे मुक्त होंगे शादी। ये चीज मुझे तोड़ दे रही है, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही। परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता हूँ शालिनी। मुझे वो दिन याद आते हैं शालिनी, मुझे अपने परमेश्वर के पास जाना। हिम्मत रखिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ शाली, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। क्या चाहता हूँ शालिनी, अपने बच्चों से प्यार चाहता हूँ सर, तुम लोग की खुशी चाहता हूँ, मैं उसमें भी सफल नहीं हो पाया शालिनी। मैं वापस जाना चाहता हूँ शालिनी, आपको पता है हमने लोगों को परमेश्वर के विश्वास के बारे में कितना बताया, लेकिन आज हम ही खुद अविश्वासी हो गए। बस एक कदम तो ज़रूरत है हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए। वो खड़ा है हमारे, वो बहुत करीब है हमारे। और किस गिल्ट की बात कर रहे हो आप? परमेश्वर ने हमारे लिए सारे गिल्ट को अपने ऊपर ले लिया है क्रूस कलवरी पे। आप बिल्कुल अपने आप में गिल्ट फील बिल्कुल मत करिए, परमेश्वर है हमारे साथ। शालिनी, तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरा परमेश्वर। और जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत पता है कौन है? वो तुम हो शालिनी, तुम। हिम्मत रखिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, एक कदम परमेश्वर के ओर बढ़ाइए, वो सारी परिस्थितियाँ ठीक कर देगा, उस पे भरोसा रखिए। सच कह रही हूँ साली। तू भूल गया है उन बातों।
राजा, शालिनी और उसकी छोटी बेटी अब परमेश्वर में लौलीन होने लगे थे। वो प्रतिदिन अपने शाम के वक्त में परमेश्वर के साथ समय बिताने लगे, पर अभी भी इस परिवार में एक कमी थी और वो थी उनकी बड़ी बेटी जेनी, जो परमेश्वर से काफ़ी दूर थी। देखते हैं आगे होता है क्या। ये समय था वो दिन का जब इनके पड़ोस में रहने वाली रीना भागते हुए घर पर आई, और उस वक्त राजा, एनी और शालिनी अपने घर पर बैठकर संगति कर रहे थे। तब अचानक रीना ने शालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले गई, क्योंकि उसकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। पर लॉकडाउन के कारण बहुत मुश्किल था घर से बाहर निकलना और तुरंत डॉक्टर का भी मिलना, इसलिए रीना ने इस बात पे भरोसा करके कि शालिनी एक प्रार्थना करने वाली महिला है, उससे प्रार्थना करवाया, और प्रार्थना करवाने के बाद उसमें उत्तर भी आया। रीना की छोटी बेटी ठीक हो गई, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, और प्रार्थना करने के द्वारा जो चंगाई मिली उस बात की गवाही देने के लिए रीना शालिनी के पास फिर लौट कर आई, और बहुत खुश होकर हर्ष और उल्लास के साथ उसने गवाही को दिया, और पूरे राजा के परिवार ने मिलके परमेश्वर को इस बात पे धन्यवाद किया कि वापस उन्होंने उस बात का अनुभव किया जो जीवन वो खो चुके थे, वो आत्मिक आनंद जो वो खो बैठे थे अब दोबारा परमेश्वर के पास आने के कारण उन्होंने उसे पा लिया। विश्वास में बड़ा हुआ एक कदम हमारे लिए कई रास्ते खोल दिए। धन्यवाद।